सबसे पहले आपको कोई सा भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मैं इधर फायरफॉक्स ओपन कर लेता हूँ। और गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद इधर साइन इन ऑप्शन है, इधर क्लिक करके। नेट बहुत स्लो है इसलिए स्लो का कम कर रहे हैं। अब इधर से यूज़ अदर अकाउंट। आप जिस ईमेल आईडी से आपका ब्लॉग और वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं उस जीमेल आईडी को इधर लॉगिन कर लेना है। इधर आपका जीमेल आईडी देखना है, मैं दे देता हूँ। एंटीवायरस जो है ना बहुत दिक्कत कर रही है। कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं पास करता हूँ जीमेल आईडी डालने के बाद इधर नेक्स्ट में क्लिक कर लेना। फिर पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड मांगने पर फिर नेक्स्ट में क्लिक कर लेना, लॉगिन हो जाएगा। मैं वीडियो पास करता हूँ। इधर लॉगिन हो गया है, मेरे ईमेल आईडी से लॉगिन हो गया है। तो आप इधर गूगल में सिंपल सा टाइप कर लीजिए ब्लॉगर, BLOGGER ब्लॉगर। इधर एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह के इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। तो मेरा सिंपल सा फर्स्ट वाला ऑप्शन पे ब्लॉगर डॉट कॉम क्रिएट ए यूनिक एंड ब्यूटीफुल ब्लॉग, इट्स ईजी, इधर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जब ये लिंक ओपन हो जाएगा तब आपको ब्लॉग क्रिएट करना है। देखिए इधर है चेक, इधर आ गया है क्रिएट योर ब्लॉग। तो सिंपल सब को इधर क्लिक कर लेना है, क्लिक कर लीजिए। फिर से आपको इधर साइन इन करना पड़ेगा। मैं पहले वाला ईमेल आईडी से साइन इन कर लेता हूँ, मैं इसलिए वीडियो पॉज कर रहा हूँ। देखिए लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह की एक इंटरफेस आपके पास खुल जाएगा। तो आपको ब्लॉगर यानी वेबसाइट का जो नाम रख सकते हैं, जिसके नाम रख सकते हैं, आपको जो नाम पसंद है जिस नाम से आप अपना वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं वैसे नाम इधर रख दीजिए। मैं सिंपल सा डेमो लिख देता हूँ इधर। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद ये ओपन होगा कुछ ऐसा। देखिए आपका ब्लॉग क्रिएट होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। इधर क्रिएट न्यू ब्लॉग इधर क्लिक करना है। क्रिएट न्यू ब्लॉग इधर मैं डेमो देख लेता हूँ। इधर भी आपका कोई सा एक यूआरएल, मैं जिस कई लाइक ऐसा ये जो ब्लॉगर का यूआरएल है, आपको भी इधर कोई एक यूआरएल चूज करना पड़ेगा जो कि एक सब डोमेन के साथ आएगा। इधर ब्लॉगर डॉट कॉम लेकिन आपका डोमेन आएगा आपका वेबसाइट का नेम डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम। देखिए मैं डेमो ही रख देता हूँ। डेमो जो देखिए सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल, मतलब कोई एक बंदा ये एड्रेस ले लिया है। तो सिंपल मैं इधर से एक न्यू लगा देता हूँ। ये देखिए NEW, देखिए ये भी अवेलेबल नहीं है। तो सिर्फ मैं इधर 3-5 लगा देता हूँ। देखिए दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल। तो सिंपल सा आप इधर से कोई सा भी एक
चूज कर लेता है, कर लेना। ये मैं सिंपल से जो डिफ़ॉल्ट आया है मैं उसको भी चूज कर लेता हूँ। तो क्रिएट ब्लॉक, क्रिएट ब्लॉक, देखिए आपका ब्लॉक क्रिएट हो गया है। डेमो वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली। देखिए आपका ब्लॉक क्रिएट हो गया। तो इधर गूगल पूछ रहा है कि आप कस्टम डोमेन लेना चाहते हैं, तो ये आपकी मर्जी, इधर से भी ले सकते हैं, मगर इधर से लेने के लिए आपको भारी राशि पे करना पड़ेगा। तो यानी बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। तो कम पैसे में डोमेन लेने के लिए गोडाडी एटसेट्रा वेबसाइट है, उसमें जाके डोमेन ले सकते हैं। तो मैं इधर नो थैंक्स कर देता हूँ, आपकी जो मर्जी हो करना, मैं नो थैंक्स कर दिया। तो देखिए आपका ब्लॉग क्रिएट हो गया। तो व्यू ब्लॉग, आपका ब्लॉग कैसा हो तो देखना ही पड़ेगा एक बार ना। देखिए ब्लॉग का इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा, इधर कुछ भी नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है, हम अभी भी कोई पोस्ट नहीं डाला है। इधर पोस्ट डालने के बाद इधर आएगा कुछ। तो चलिए हम इस थीम को चेंज कर लेते हैं। पहले इस थीम को चेंज करने में मैं एक इस एक की वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप कैसे एक क्या कहते हैं उसको, अरे समय समय में याद नहीं आता ना, अब एफिलिएट वेबसाइट कैसे क्रिएट करना है। तो एफिलिएट वेबसाइट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको एक थीम इंस्टॉल करना पड़ेगा आपकी ब्लॉगर वेबसाइट में। तो थीम इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना होगा सिंपल से गूगल में जाना। गूगल में जाने के बाद मैं दूसरा ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए दूसरा ब्राउज़र आने के बाद इधर पे आपको टाइप कर लेना है साब मेरा, ए से बी साब एम। देखिए इधर नीचे आ गया है साब मेरा, आप सिंपल से इसे क्लिक कर लेना है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, फिर भी लिंक की ज़रूरत नहीं होगा, ये शॉर्ट नेम है, इसको सर्च करने में नेटवर्क स्लो है। देखिए ये साब मेरा, इसमें आपको क्लिक करना है। ये वेबसाइट बहुत अच्छा है जो टेम्पलेट प्रोवाइड करता है फ्री में, और इसका जो नीचे का फुटर क्रेडिट ये भी चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। सिंपली में ये चेंज कर सकते हैं कोई रिडायरेक्शन की बदले। तो चलिए इधर आपको ये देखिए वेबसाइट बहुत सुंदर है। तो आपको इधर ब्लॉगर टेम्पलेट दिख रहा है, ये ब्लॉगर टेम्पलेट इधर इधर के आपको जाना है ए रेस्पॉन्सिबल ऑप्शन पर। रेस्पॉन्सिबल ऑप्शन पर जाने के बाद आपको इधर क्लिक कर लेना है। देखिए नेट ज़्यादा स्लो है। देखिए इस टेम्पलेट कुछ आपको इस तरह का दिखेगा। तो इधर नीचे इसका डाउनलोड लिंक होगा। देखिए कहाँ चल गया, सॉरी वो जो टेम्पलेट है ना इस पर आपको एक बार क्लिक करना पड़ेगा। ये देखिए क्लिक होगा, क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इंटरफेस ऐसा आएगा। ये देखिए इस बार इसके नीचे में एक डाउनलोड लिंक होगा। देखिए इधर आ जाइए, ये कुछ 10 सेकंड के बाद डाउनलोड लिंक आपको प्रोवाइड करेगा। तो मैं वीडियो पास करता हूँ, वीडियो लंबे हो जाते रहे। तो सेकंड की घड़ी चलने के बाद इधर क्लिक है ऐड टू डाउनलोड, एक लिंक आ गया। तो आपको सिंपल से इधर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए न्यू विंडो ओपन हो गया। तो सिंपल सा इधर भी एक लिंक होगा। देखिए इधर एक क्लिक है ऐड टू डाउनलोड, आपको इधर क्लिक करना है। क्लिक करने के इधर भी 15 सेकंड का लिंक। तो सिंपल सा देखिए क्लिक है ऐड टू डाउनलोड, एक लिंक आ गया। तो आपको इधर क्लिक करने के इधर क्लिक जब आप इधर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल जो टेम्पलेट का फाइल वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो मेरे पहले से डाउनलोड कर रखा हूँ तो मैं इधर क्लिक नहीं कर रहा हूँ। आपको इधर इसका डेमो दिखा देता हूँ। ये देखिए डेमो का ऑप्शन है, इधर के डेमो देख सकते हैं। डेमो कुछ आपको साइट आपको जो एप्लेट साइट कुछ इस तरह का दिखेगा। देखिए आ जा बेटा इस सुराकाट से। देखिए नेट इतना स्लो कैसे चलेगा भाई,
ये देखिए अब इंटरफेस कुछ ऐसा रहेगा, ये देखिए ये हर कुछ सेकंड में ये चेंज होते जाएगा। ये देखिए स्लाइडर कुछ ऐसा स्लाइडर। तो ये थीम आपको डाउनलोड करना है, मैं डाउनलोड के लिए वीडियो को लंबा नहीं कर रहा हूँ, मैं इधर आप देख लीजिएगा डेमो, मैं इधर से कट करता हूँ, मेरे पास कर रहा तो पास कर रहा हूँ। तो डाउनलोड हो जाने के बाद, तो डाउनलोड होने के बाद आपको जाना है जिस प्लेस में आप डाउनलोड किया है उस फोल्डर में जाना है। मैं फोल्डर ये खोल चुका हूँ, ये देखिए इधर आ जाएगा, ये कहाँ चला गया, ये सुराकाट शॉपिंग, ये देखिए सुराकाट शॉपिंग। आपको ये इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये देखिए इधर राइट क्लिक करके आपको देखिए एक्सट्रैक्ट फाइल एक्सट्रैक्ट, यार अब इधर इसके क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं मेरा एक्सट्रैक्ट हो गया है, तो मैं इधर से एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल से बैक जाता हूँ, बैक के मेरा ये फोल्डर है, ये फोल्डर में एक्सट्रैक्ट फाइल है, देखिए सुराकाट शॉपिंग। तो आपको क्या करना है, इधर ओपन करना है, तो इधर देखिए जो नीचे वाला फाइल है ये देखिए एक्सएमएल, एक्सएमएल वाला फाइल, इसको ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको इधर एडिट विथ नोट पर प्लस प्लस, ये सॉफ्टवेयर सबके पास नहीं होता है, तो मैं एडिट सिंपली एडिट किया करता हूँ। देखिए आपके पास कुछ इस तरह की इंटरफेस खुल जाएगा, ये देखिए इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो आपको इधर क्या करना है, सिंपली से इधर क्लिक करना है, प्रेस कंट्रोल ए, देखिए ऑल सिलेक्ट हो गया, आप इसे कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेना है, ये कॉपी हो गया, नहीं तो आप सिंपली से इधर राइट क्लिक करके इधर कॉपी कर लेना। ये अपनी ब्लॉगर जिस ब्राउजर ब्लॉगर के पे उस ब्राउज़र में जाएगा, फिर इधर थीम थीम मतलब ये देखिए थीम थीम के ऑप्शन आएगा, इधर क्लिक कर लेना है। ये आने में कुछ देर लग रहा है, थीम पे क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरह के इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। तो हम आपको सिंपल से इधर एडिट, ये देखिए एडिट विथ एचटीएमएल इधर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इंटरफेस कुछ ऐसा खुलेगा, देखिए लोडिंग हो रही है, देखिए ये कोडिंग वोडिंग आपको इसमें ध्यान नहीं देना है, आपको सिंपल से इधर एक क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कंट्रोल ए और सिलेक्ट हो जाएगा, फिर बैक स्पेस या डिलीट बटन प्रेस करना, मैं बैक स्पेस प्रेस करता हूँ, ये देखिए सब चला गया। फिर इधर आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के सिंपल इधर पेस्ट, देखिए इधर पेस्ट हो गया। अब इधर से सेव थीम, सेव थीम कर लेना, थीम सेव हो गया। आपको इधर से सिंपली व्यू ब्लॉक पे क्लिक कर लेना, ये देखिए आपका डोमेन जो साब डोमेन के साथ आया हुआ है और इधर ओपन हो रहा है, ये देखिए 35newdemo.blogspot.com। तो आपको साइट कुछ ऐसा खुलेगा, लोडिंग है, पहले देख लीजिए आपका साइट पहले इस तरह का दिखता था, आप आपका साइट कुछ इस तरह का दिखेगा, ये देखिए। तो इधर ये जो एड्रेस पर जैसे ये चेंज करना चाहते हैं तो मैं मेरे कमेंट बॉक्स से, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मैं ये साइट कस्टमाइज करने के लिए जो वीडियो होता है वो ट्यूटोरियल वीडियो लेके आऊँगा आपकी कमेंट की बात। देखिए ऐसे आप अपना ब्लॉग और वेबसाइट तैयार कर सकते हैं, एंड मैंने एक वीडियो में दिखा दिया है कि कैसे आप एफिलिएट वेबसाइट तैयार क्रिएट कर सकते हैं, ये सब आपको कस्टमाइज करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे आप अपना वेबसाइट को कस्टमाइज करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।